नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है आज के ताजा तरीन खबरों का। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने चीनी नेतृत्व पर पश्चिमी देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उससे मुकाबले के लिए पश्चिम से एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के लिए आज से पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे छात्रों को पीएम से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जाएंगे, जहां पर वे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनविश्वास यात्रा के दौरान आज यूपी के गढ़नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी वीडियो की प्रारंभिक परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सिरोही जिले में आज इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध में जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठने की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से आज करीब 2 दर्जन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आज से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लागू होगा। बिहार के किशनगंज प्रखंड में प्रमुख व उपप्रमुख पद पर आज चुनाव होगा, जहां किशनगंज प्रखंड के 14 पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख का चयन करेंगे। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों का समाधान करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज लुधियाना फोकल पॉइंट के सीटीपी का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी एस्ट्रो ट्रफ का आज शिलान्यास करेंगे। एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने बीएचयू के नवनियुक्त कुलपति के खिलाफ कैंपस में लगाए लापता वीसी के पोस्टर, इससे पहले थाने में गुमशुदगी के लिए तहरीर भी दी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बूस्टर डोज और बच्चों के लिए वैक्सीन देने की व्यवस्था जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाएगी वैसे ही हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। पंजाब में वार्षिक शहीदी जोड़ मेले में बोले सीएम चन्नी, फतेहगढ़ साहिब से चमकौर साहिब तक बनेगा माता गुजरी मार्ग नेशनल हाईवे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित 100 मीटर के दायरे को हटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और आग्रह किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में रह रहे लोगों के बेहतर जीवन यापन के लिए विकास कार्य करवाने की अनुमति राज्य सरकार को दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के प्रमुख पड़ाव जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की। इससे पहले चमोली जिले में घाट विकास खंड का नाम बदलकर नंदानगर किया गया। झारखंड राज्य की हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 अहम योजनाओं को प्रदेशवासियों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जिन 2 परियोजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है उसमें कृषक पाठशाला और 45 बिरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विदेश से आए 150 लोगों ने नहीं कराई कोरोना जांच, खोजने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक लगाए जाने के मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। इस दौरान केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर के बिरमा नदी पर बीआरओ द्वारा बनाए गए बेली पुल सहित प्रदेश के 24 पुलों और 3 सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चिटफंड मामले को लंबा खींचने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को जिम्मेवार ठहराया है। न्यायालय ने मामले को खींचने पर खेद व्यक्त किया और व्यावहारिक रूप से सीबीआई को फटकार लगाई, साथ ही कहा कि मामले की जांच में तेजी लाया जाए। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2 हफ्ते प्रदेश के लिए बहुत अहम हैं, लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। गुजरात में आयकर विभाग ने लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए रिफंड की प्रक्रिया तेज की, जिसके तहत सूरत आयकर विभाग ने 3,000 करोड़ रुपए का रिफंड करदाताओं को दिया है। इस साल आयकर विभाग को शुरू में 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। राजस्थान के बाड़मेर में प्राणघातक हमले में घायल आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम ग्राम विकास पदाधिकारी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया, जहां अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।
शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए छुहारा खाएं। यह आयरन के साथ साथ खून की कमी को भी दूर करता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट jipmcr.edu.in के माध्यम से 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिग बॉस 14 के फैन शहनाज गिल ने दोस्त की सगाई में जमकर किया डांस। फैंस बोले, सिद्धार्थ को भूलकर ऐसे ही आगे बढ़ो। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। शासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान मिशन शक्ति फेज 3.0 के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं से उनकी समस्या के बारे में जाना गया तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में 2 दिन बंद रहेंगे नर्सरी से इंटर तक के समस्त विद्यालय। बढ़ती सर्दी को लेकर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने दिया आदेश। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।